अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद अनदर रेसिपी विच इज़ गुलाब जामुन। इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैंने कैप्शन में डाल दी है, काइंडली गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं शीरा बना रही हूँ, इसके लिए तो मैंने एक कप चीनी ली हुई है और मैं इसमें डाल दूंगी एक कप पानी। दो इलायचियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ, आप तीन भी डाल सकते हैं। बिल्कुल मीडियम लो हीट पर हम इसको बनने छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें हम स्पून नहीं चलाएंगे, कोई भी स्पून नहीं चलाएंगे, और जब बबल्स आएंगे तो थोड़ा सा मूव करेंगे पैन को, बिल्कुल इस तरीके से डो की प्रेप करते हैं। एक टेबलस्पून मैदा लिया है, एक कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर है, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी एक टेबलस्पून घी, ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, और एक अंडा, अंडे को पहले से बीट कर लें। अच्छा, ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनी हुई है, तो डो स्टिकी होगा। आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्लावर, पानी, कुछ भी या दूध ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्टिकी ही होगी, बिल्कुल इस तरीके से, परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद अपने हाथों को आप इसी से साफ करके हटा दीजिएगा। यहाँ पर मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल गर्म होने रख दिया है मीडियम हीट पर। अब बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा मैं हाथ पे ऑयल लगा रही हूँ ताकि हाथ मेरे ग्रीसी हो जाएं, और छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी मैं। मेक श्योर आप छोटे बॉल्स बनाएं, क्योंकि ये डबल हो जाएंगे साइज में। बॉल्स पे क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर ये क्रैक होगा ये फट जाएगा, ठीक है। ये देखें मेरे बिल्कुल नॉन क्रैकी बॉल्स बने, मैंने इससे 15 बॉल्स बनाए छोटे। अगर आप और छोटे बनाएंगे तो आपके जो है 16 से 18 तक बन जाएंगे, मगर 15 सही है। ये देखें नॉन क्रैकी शाइनी बॉल्स रेडी हैं। अब मैं एक और एक को उठा के ऑयल में डालूंगी, और आप देखें ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, हमें इवनली हर जगह से इसको कुक करना है, इसलिए मैं स्टर करती रहूंगी ताकि हर जगह से कलर आए। इसकी निशानी यही है कि ये ऊपर फ्लोट हो रहा है, मतलब ये कुक हो चुका है अंदर से, ये अनकुक नहीं है। अब सी हाउ ब्यूटिफुल दे लुक। फौरन मैं उठा के इसको शीरे में डाल दूंगी। शीरा जो है अभी भी शीरे का फ्लेम ऑन था मीडियम पे, अब मैं इसको 6-8 मिनट्स कुक करूंगी और बस इट्स रेडी। Do let me know how it turns out. Allah Hafiz.